सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल लार्जर बेंच की सरबराही में आज रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजार के वकला आज अपना अपना मुकदमा अदालत में पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी पेश होंगे। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने का मामला, पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर आज। बाहिमी रजामंदी के बाद मुज़ाकरात का वक्त तब्दील, फरीकें सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे मिल बैठेंगे। क़यादत के मशवरे के बाद पीटीआई और हुकुमरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के दौरान अपनी अपनी तजावीज एक दूसरे के सामने रखेंगे। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला कहते हैं 14 मई को इंतखाबात नामुमकिन है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। कोर कमेटी में बहस के बाद फैसला हुआ कि मुज़ाकरात करने चाहिए। मईशत के इस्तेहकाम के लिए आईएमएफ का मुआहदा जरूरी है। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं आइन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। छोटी सी ख्वाहिश के लिए आइन और मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया है। मुज़ाकरात के दूसरा राउंड आ चुका है।